जय हिंद। हवा में उड़ रहा विमान किस तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कंट्रोल में रहता है, और कैसे रडार से पता किया जाता है कि कौन से जहाज़ की ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, कितनी स्पीड है, किस देश का वो विमान है? इसे टोटली कंट्रोल के लिए एक ATC बनाया जाता है, जिसे कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक टावर में बैठा रहता है, एयरपोर्ट पर ही इसकी ड्यूटी होती है। ये टावर बहुत ऊँचा होता है, लिफ्ट से लोग इसमें जाते हैं। ये टावर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ रडार लगा दिया जाता है, जिससे कि वो दूसरे जहाज़ों का पता लगा लेता है। कभी कभी रडार ATC के अलग किसी दूसरे बेस पर भी बना दिए जाते हैं, बट वो एयरपोर्ट के ही एरिया में रहते हैं। अब ये ATC को देखेंगे तो दो लेयर में इसकी ATC की केबिन होती है। नीचे वाला जो लेयर होता है वो उसमें वो लोग बैठते हैं जो उनको ड्यूटी के लिए ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेन ड्यूटी कमांड कर रहे हैं लोग, वो लोग ऊपर वाले ATC टावर में बैठे हुए हैं लोग। अब मान लीजिए किसी की ड्यूटी 10 बजे खत्म होनी है, तो दूसरा शिफ्ट वाला 10 बजे थोड़ी आएगा, उसको 9 बजे से बुला लिया जाएगा, थोड़ा पहले बुला लिया जाता है। इसलिए वो नीचे बैठ के वेट कर रहा होता है, टाइम से ही वहां पे जाता है। नहीं तो पता वो सब कंट्रोल कर रहे हैं सब, वही में जाके बतिया गया है मिश्रा जी खैनिया कहाँ है, लड़ा देगा ससुरा इधर उधर, इसलिए उसको नीचे वाले में बैठा के रखते हैं। ATC टावर जो होता है उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो 360 डिग्री देख सके, चारों ओर शीशा लगा दिया जाता है, और इससे पूरा एयरपोर्ट दिखाई देता है कि कौन सा रनवे खाली है, कौन सा टैक्सी वे है या नहीं। ये अपने स्क्रीन पे तो देखते हैं, साथ ही विजुअल भी देखते हैं कि हाँ ये रनवे खाली हो गया, अब उसके ऊपर दूसरे जहाजों को वो लैंड कराने के लिए अलाउ कर देते हैं। ATC टावर में बैठे कंट्रोलर के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है, जिस तरह से स्टेशन मास्टर के पास पूरा स्टेशन का नक्शा होता है कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है, वैसे ही इन लोग के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है कि टैक्सी वे किधर है, कौन सा रनवे है। मतलब बड़े एयरपोर्ट पे दो दो तीन तीन रनवे होते हैं, तो ये टोटल इन लोग के पास नक्शा होता है। जो रनवे या जो टैक्सी वे बिजी होता है वहाँ पर ब्लिंक करते रहता है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा बिजी है। अब तो ATC के जितने चीज़ें आ गए हैं वो हर चीज़ ऑटोमेटिक आ गए हैं, नहीं तो पहले यहाँ पर एक देखिएगा तो एक चौकोर चौकोर सा यहाँ पर ये लोग रखे हुए हैं। लोग इस पर क्या हुआ रहता था, लिखा रहता था कि जहाज की टाइमिंग, कौन सा जहाज है, कैसे आएगा। तो जो जहाज अभी लैंडिंग जो जैसे स्टेशन पर कैसे होता है, शेड्यूल होता है कि दिल्ली से कितनी ट्रेनें खुलेंगी, कितनी जाएंगी, उसी तरह से हर एयरपोर्ट का शेड्यूल होता है कि कितनी जहाज़ें यहाँ डेली आती हैं और कितनी जाती हैं। तो जो शेड्यूल वाला होता है उसको यहाँ रख लिया जाता है, उस पर सारा लिस्ट लगा रहता है। जो लैंड कर जाती हैं उनको एक अलग उसमें रख देते हैं लोग, और लैंड की है तो यहीं थोड़े रहेगी, उड़ के जाएगी यहाँ पर, तो जो चली गई है उसको नीचे गिरा देते हैं लोग यहाँ पर, ताकि इसको पता रहे कि इतनी जहाज़ें अभी आने वाली हैं, इतनी लैंड कर चुकी हैं, इनका फाइनल हो चुका है, ये टोटल ख़त्म हो जाता है। तो ये पहले इस तरह से होता था, अभी तो हर चीज़ का स्क्रीन टच एक पैनल आ गया, उसी में ये लोग कर लेते हैं। इन लोग को जहाज़ की जो जानकारी पहले दी जाती थी वो प्राइमरी रडार PR से मिलती थी। प्राइमरी रडार पर केवल जहाज़ पता चलता था, ये जहाज़ आ रहा है, उसका स्पीड और लोकेशन नहीं पता चल पाता था। इसलिए एक सेकेंडरी सर्वलांस रडार लगाया गया, ये सर्वलांस पता लगा लेता है। प्राइमरी रडार के ठीक ऊपर फिट हुआ रहता है सेकेंडरी सर्वलांस रडार, जिसे हम सेकेंडरी रडार के नाम से जानते हैं। ये रडार बहुत ही एडवांस होता है, ये एक तरह का क्वेश्चन आंसर करते रहता है जहाज से, वो इधर से इंट्रोगेट करता है एक अलग फ्रीक्वेंसी पे। जैसे ये देखिए 1030 Hz की फ्रीक्वेंसी पे छोड़ा है MHz, वो 1090 MHz पे वो छोड़ा है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं जहाज से। जहाज का जो कॉकपिट होता है जिसमें पायलट बैठता है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर दो चीजों से मिलकर बना है, ट्रांसमिट मतलब छोड़ना और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। तो ये जो होता है ना, जैसे यहां से आपका सेकेंडरी रडार कोई सिग्नल भेजेगा इसके ट्रांसपॉन्डर में यहां पर, तो ये क्या करेगा, ये सवाल सिग्नल नहीं भेजेगा, एक तरह का क्वेश्चन आंसर कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है कि तुम कहां के जहाज हो, कितना के स्पीड में हो, कितना ऊंचाई पर हो, कहां जाओगे। तो इस ससुरा क्या होता है, ये जो मशीन होता है इसमें फिट होता है कि कितनी ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है। ये तो कॉकपिट में ही बैठा रहता है, ये वाली मशीन तो कॉकपिट में ही रहती है, तो कॉकपिट में तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कितनी हाइट पर है, कितने स्पीड में जा रहा है, इस जहाज का कोड क्या है, कौन से साइज का जहाज है। मान लीजिए सेसना जहाज रहेगा तो छोटा सा होता है 20 आदमी के बैठने वाला, तो उसको कोनो रनवे पे उतार दीजिए, बड़ छोट से मतलब नहीं है। आई हैवी जंबो जेट रहेगा तो जहाज की हर एक इंफॉर्मेशन इस ट्रांसपोर्टर में रहती है। जैसे सेकेंडरी रडार उसको कहता है कौन हो, तो तुरंत उसको भेज देता है। तो इसके लिए एक फायदा ये रहता है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, रडार स्क्रीन पे जो दिखता है वहीं पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ATC टावर में बैठे कंट्रोलर्स के पास आगे एक रडार होता है, उस रडार पे आप देखेंगे तो जो अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया तो सेकेंडरी रडार है। इस रडार में दो तीन खासियत, यहां पर जो सर्किल दिखेगा इस तरह से,
ये सर्किल बताता है कि कितनी दूरी पर है वो जहाज। अब कई सर्किल हैं सब, यहाँ पे ये अलग अलग दूरी को दर्शा देते हैं सर। इसमें देखेंगे तो जहाज जो होता है, यहाँ पे कुछ कोड दिख रहा है, जहाज तो दिख ही रहा है, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या करता है, सेकेंडरी जो उसके अंदर का ट्रांसपोर्टर बता देगा कि ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना है, कितने बड़ा जहाज है, जहाज की कैटेगरी बता देता है, ताकि इस ATC को आराम से सहूलियत पता चल जाती है और उसको लग जाता है कि दो जहाज आपस में लड़ने वाली तो नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे दो जहाज एक पास है, लेकिन एक की हाइट 16,000 फीट है, एक की हाइट 22,000 फीट है, तो टेंशन भरी है, एक के पास रहो क्या दिक्कत है, एक हाइट पे एक नहीं है। पहले क्या था, दिल्ली एयरपोर्ट पे प्राइमरी रडार नहीं थे, तो कजाकिस्तान एयरलाइंस जो थी वो दुबई से आ रही, अरब से आ रही फ्लाइट के सीधे लड़ गए थे सर, दोनों एक ही साथ लड़ गए थे सर। रीजन क्या था कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन की जहाज थी उस ससुरा का ट्रांसपोंडर वा खराब था, उसको बताइए नहीं पा रहा था कि उसकी हाइट कितनी है उसकी एल्टीट्यूड से। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट वाला उसको बोला कि भाई तुम 15,000 पे रहो, सऊदी वाले को कहा कि तुम रहो भाई ऊपर 20,000 पे, लेकिन उस वाला का खराब था ये चल गया, दोनों आ गए से 20 पे। सऊदी वाला तो ठीक से था जो उधर से था, कजाकिस्तान वाला थोड़ा सा गड़बड़ किया, दोनों आके आपस में लड़ गए थे। लेकिन अगर उस वक्त दिल्ली में सेकेंडरी रडार रहता तो उसका खराब था तो क्या दिक्कत है, इधर तो पता चल सकते थे। हालांकि ट्रांसपोंडर खराब था तो इसको भी गलत जानकारी मिल सकता था। तो ये सेकेंडरी रडार बहुत मदद करता है। सेकेंडरी रडार में आप देखेंगे कई इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट की आईडी रहती है कि कौन से देश का जहाज है, उसमें एल्टीट्यूड लिखा रहता है, डेस्टिनेशन कहां जाना है उसको, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीड और एयरक्राफ्ट का टाइप यहां लिखा रहता है। तो ये यहां पर आपको एक जहाज दिख रही है, ये वाला एरिया ऐसे, अब ये जहाज का यहां सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, यहां पर एक जहाज दिख रही है, यहां इसका सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। तो सेकेंडरी रडार जो होता है वो स्क्रीन पर हमको हर एक जानकारी दे देता है। ये सेकेंडरी रडार को जानकारी ट्रांसपोंडर की मदद से मिल गई रहती है। इस तरह से ATC टावर में बैठे कंट्रोलर के स्क्रीन पर ढेर सारे जहाजें दिखती हैं, लेकिन उससे वो कंफ्यूज नहीं होता है। जबकि रेलवे में स्टेशन मास्टर को देखिए ना, उसको केवल बत्ती दिखाई देती है, वो कंट्रोल पे पूछता है कौन जहाज है, मतलब कौन सी ट्रेन निकल रही है, उसको बत्तिया पे थोड़े निकला रहता है कि राजधानी निकली कि शताब्दी निकली। लेकिन यहां पर देखिए इसको तो एकदम अच्छा से बत्ती भी दिख रहा है कि कौन सी जहाज आ रही है, और वहां पे सब चीज उसके बारे में लिखा है। ये लोग भी हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि कितनी जहाजें आएंगी कितनी नहीं आएंगी, आपको ही पता है जहाजों का शेड्यूल होता है। ये ट्रांसपोंडर जो होता है ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं जिन्हें मॉड कहते हैं। मॉड अल्फा ये उतना अच्छा नहीं होता, केवल एल्टीट्यूड वगैरह बता पाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे थोड़ा अच्छा होता है चार्ली SC, और सबसे एडवांस अभी जो रहा है सीरियल मोड का आ रहा है। ये जो होता है S टाइप का जो ट्रांसपोंडर होता है ये हर एक इंफॉर्मेशन दे देता है। अभी जितने बड़े जहाज हैं उसमें मॉड S टाइप का ही ट्रांसपोंडर लगाना पड़ेगा। ट्रांसपोंडर में क्या होता है, एक स्क्वैक कोड भरना होता है, हर जहाज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन एक कोड होता है, जैसे आपके गाड़ियों का नंबर होता है वही इस ट्रांसपोंडर में भर दिया जाता है। यहाँ नंबर होता है चेंज करने का, जैसे इसने लिखा है यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर लिख देगा, कोड भरेगा। यहाँ पे नीचे जो होता है स्वैप कोड इनपुट के लिए बटन दिए रहते हैं, यहाँ पे वो बटन दे सकता है, यहाँ पे एल्टीट्यूड वगैरह दिखाई दे रहा होता है तो यहीं से भरना होता है। जैसे इसने भर रखा है कि 1725, तो ATC के डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा, 1725, यानी ये जहाज का कोड है, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो इसी जहाज के कोड से पकड़ा जाएगा। जैसे किसी के एक्सीडेंट करके आप भाग जाते हैं तो आपका गाड़ी एक नंबर होता है ना, वैसे एक तरह से कह दीजिए तो ATC को ये नंबर दिखाई देगा कि ये किस ID की जहाज है। कॉकपिट में बैठे पायलट को कभी बड़ी भयानक समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि जहाज हाईजैक हो गया। हाईजैक होने पे क्या करते हैं सब, जो हाईजैकर होते हैं कॉकपिट में घुस के खोपड़िए पे बंदूक भिरा देते हैं, कहते कुछ मत करना, बताना भी मत कि हम हाईजैक हो गए हैं। अब क्या होगा, बता देगा कि हाईजैक हो गए तो खोपड़िए उड़ा देगा यहाँ पर, और नहीं बताएगा तो एक कहीं और उड़ा के लेके चल जाएगा। एक और समस्या क्या होती है कि जो जहाज होता है उसका नेविगेशन सिस्टम होता है, रडार होता है, रेडियो होता है जिस पे वो बात कर रहा होता है, कभी कभी रेडियो सिग्नल काम नहीं करता या नेविगेशन ही गायब हो जाता है, उस सूचना गायब हो जाएगा हवा में, फ्यूल खत्म होगा, दबा के गिरेगा कहीं, तो एक ये समस्या है। और दूसरी कि कभी कभी एयरपोर्ट में मिलिट्री वाले जहाज घूमने लगते हैं सर, मिलिट्री का जहाज का कोई एरिया नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं। सवारी वाले का तो फिक्स होता है ना कि भाई यहां से वहां जाएगा, मिलिट्री वाला कहीं भी चले जाते हैं सर। एक और चीज क्या होता है कि जब जहाज लैंड करने वाला होता है तब इसको कोई जरूरत नहीं है कि ATC से बात करे, इसको तो एयरपोर्ट देख ही रहा है, अब ये ILS से ही जा सकता है लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप की मदद से, पिछले वीडियो में हम ILS समझा दिए थे। अब एकदम आप जहाज उतर गए तो ATC को एक के काम है क्या कि आपको एकदम दुआरी तक पहुंचाएगा, तो जब नीचे आ रहा होता है तो इसका नंबर अलग चेंज करना होता है। तो इस सारी समस्याओं का निदान कर सकता है ट्रांसपोंडर का स्वैप कोड। ट्रांसपोंडर का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो तो आपका स्पेसिफिकेशन नंबर है, लेकिन इसमें कुछ जो स्पेसिफिकेशन नंबर आपके जहाज को दिया जाता है उसे स्वैप कोड कहा जाता है। स्वैप कोड जो होता है कभी कभी इमरजेंसी में इसे
चेंज करना होता है। कब चेंज किया जाता है? इमरजेंसी में, तो यहाँ बटन होता है, घुमा के चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जहाज जो है ना, वो आपका जहाज हाईजेक हो गया, कोई उसको किडनैप कर लिया, खोपड़िया पे बोला है कि कुछ मत को ना, उधर ATC कर रहा है, क्या हो गई लो, तो आप कहेंगे क्या खोपड़िया पे बंदूक भिराया है, हाईजेक हो गए, मार देगा, एक गोली चल जाएंगे। तो उसमें इतना बटन होता है कॉकपिट में, समझे में नहीं आएगा हाईजेक वाले को। तो ट्रांसपॉन्डर में भर दीजिए 7500। जैसे 7500 भरेंगे, जो ATC टावर है उसको दिखेगा 7500, मतलब ये जहाज हाईजेक हो गया। तुरंत मिलिट्री को कहेगा जहाज को चारों ओर से घेर के कहीं उतार लो, भागे मत यहाँ पर। हमारा जहाज IC-814 हाईजेक हुआ था ना 1999 के आखिरी दिन, सन 2000 को 1 जनवरी को हाईजेक कर दिया, लास्ट दिन में लोग घूमने आ रहे थे। तो उस समय ATC जो ससुरा दिल्ली तक जहाज चली आई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि उन लोग को हाईजेक हो गई है। हालांकि उन लोग को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा भी गया था, हम लोग बहुत मौका गंवा दिए थे। एक और चीज, तो ये आप समझ गए इमरजेंसी स्वैप कोड क्या हो सकता है। 75 भरा तो हाईजेक है, अगर 7600 भर दिया है तो मतलब समझ जाइए कि उसका नेविगेशन फेल हो गया है। नेविगेशन फेल का मतलब कि देखिए, हाईजेक हुआ है तो भरेगा, स्वैप कोड क्या भरेगा 7500, तो जैसे दिखेगा समझ गया हाईजेक है। नेविगेशन फेल, उसका सिग्नल काम नहीं कर रहा था, पूछेगा कैसे हम जाएंगे कि नहीं। तब इसको क्या किया जाता है, एक दूसरा जहाज इसके बगल में मिलिट्री वाला भेजा जाता है, ये उससे बात करता है कि भाई साहब ऐसा नहीं समस्या है, तो अब मिलिट्री वाला फिर ATC से बात कर लेता है, तो ये भर देगा 7600। अब क्या होता है, मिलिट्री वाला जहाज को परमिशन नहीं होना, इसको कोई रोक टोक नहीं करता है, तो इसके लिए 00 या 777 4-7 का प्रयोग किया जाता है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब एक क्या होता है, विजुअल फ्लाइट रूल होता है। विजुअल फ्लाइट रूल को शॉर्ट करना है VFR कहते हैं। मतलब जब जहाज लैंड करने वाला होता है, जब मशीनों से वो जुड़ जाता है, ILS मशीन उसको आराम से उतार लेती है, तब वो ATC से उसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। तो कैसे तोड़ दिया जाता है, तो संपर्क तो टूटेगा नहीं, वो अपने ट्रांसपोंडर में 1200 डिजिट भर देता है, 1200। हालांकि इंडिया में कहीं 2000 ये कोड है। जैसे ये कोड भर देगा तो ATC अपने डिस्प्ले में उस जहाज को देख के इग्नोर कर देगा कि भैया अब ये तो उतरने वाला है, अब उतर जाएगा, बाकी का काम ग्राउंड वाले लोग देख सकते हैं। इस तरह आप समझे कि ट्रांसपोंडर मदद तो करता ही है, हम कहां हैं, साथ में साथ ये चुप्पे चुप्पे वो सिग्नल भी भेज देता है कि हाईजेक हो गई लो, भुला गई लो, हर चीज भेज देता है। VFR मतलब क्या होता है कि भाई हम नीचे उतर गए, अब आप हमारे ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए। अब एक इमरजेंसी कोड होता है 7700। 7700 क्या होता है, ये इमरजेंसी में होता है, मतलब जहाज का इंजन फेल हो गया या फिर जहाज काम नहीं कर रहा, ढहने वाला है, तो उसको कहते हैं। इसके लिए पायलट तो बोल भी सकता है, भाई इमरजेंसी में, कोई जरूरी नहीं तो कोड भरे, वो कोड भी भर देता है और बोल भी देता है पैन, मतलब अगर उसका एक इंजन फेल हुआ है तो पैन बोलेगा, और दोनों फेल हो गया तो मेडे, मतलब अब हम एकदम कंट्रोल के बाहर है। तो जैसे ये ATC को स्क्रीन पे 7700 दिख गया या फिर मेडे या पैन सुनाई दिया, सारा एयरपोर्ट को क्लियर कर देगा, कहेगा भाई जहां मन उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन उतर जाओ, सब खाली है तुम्हारे लिए। अब इस बार जो कोझिकोड में दुर्घटना हुई, अब वहां ना पैन बोला गया ना मेडे बोला गया, ब्लैक बॉक्स में पूरी रिपोर्ट आएगी कि बोला गया था या नहीं बोला गया था। अभी तक तो नहीं पता चल पाया है कि कोझिकोड में क्यों हुआ था, क्योंकि दो दो बार गो अराउंड होने का मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आई होप आप समझ गए कि ATC किस तरह स्वैग कोड को देख के बता सकता है कि कौन सी जहाज है, इमरजेंसी है या हाईजेक हो गया है या VFR मतलब ये अब उतरने वाला है या फिर इसकी नेविगेशन फेल हो गई है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।